हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JJDE एजुकेशन में। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए नर्सिंग से रिलेटेड एनम जेनम बीएससी नर्सिंग के क्वेश्चंस लेकर क्या हैं जो आपके एग्जाम से हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन विच कम्युनिकेबल डिजीज स्किन रैशेस डू नॉट जनरली अपीयर। किस संचारी रोग में त्वचा पर चकते आमतौर पर दिखाई नहीं देते हैं? ऑप्शन ए चिकन पॉक्स, ऑप्शन बी पोलियो, ऑप्शन सी मिशल्स, ऑप्शन डी रुबेला। गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पोलियो, जो मैं आपको नीचे करके भी दिखा रही हूँ स्क्रॉल, पोलियो, ऑप्शन बी पोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, देखते हैं आपका दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, हुपिंग कॉफ एंड डिप्थीरिया मेनली स्प्रेड बाई। खांसी और डिप्थीरिया मुख्य रूप से किससे फैलते हैं? ऑप्शन ए डिफिशियंसी ऑफ विटामिन, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन एंड ऑप्शन डी पॉल्यूटेड वाटर। राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। खांसी और डिप्थीरिया मुख्य रूप से ड्रॉपलेट और इन्फेक्शन द्वारा ही फैलते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट, मलेरिया मेनली अफेक्ट्स विच ऑर्गन। मलेरिया किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी स्प्लीन, ऑप्शन सी किडनी एंड ऑप्शन डी ब्रेन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्प्लीन। क्वेश्चन में पूछा है मलेरिया किस अंग को प्रभावित करता है, तो वह स्प्लीन को प्रभावित करता है। ओके, स्प्लीन बिकम्स इनलार्ज्ड ड्यूरिंग मलेरिया बिकॉज ऑफ फिल्टरिंग आउट ऑफ एक्सेसिव डिस्ट्रॉयड और बीसी आफ्टर द हेमोलिसिस एंड ऑकवर्स नॉट वनली ड्यूरिंग मलेरिया ड्यूरिंग मेनी इन्फेक्शंस और नॉन इन्फेसियस डिसीज फॉलोइंग विथ द आरबीसी राइबोसोम हेमोलिसिस। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इन डॉट्स स्ट्रेप्टोमाइसिन इज गिवन बाय। डॉट्स थेरेपी में स्ट्रेप्टोमाइसिन किस रूप से दी जाती है? देखते हैं कौन से रूप से दी जाती है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए IM, ऑप्शन बी SC, ऑप्शन सी IV एंड ऑप्शन डी ओरली। कौन से रूप से दी जाती है स्ट्रेप्टोमाइसिन थेरेपी में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए IM। IM थेरेपी में स्ट्रेप्टोमाइसिन IM रूप में दी जाती है। अगला, स्लीपिंग सिकनेस इज ट्रांसमिटेड बाय। ऑप्शन ए, इसका हिंदी जान लीजिए, स्लीपिंग सिकनेस किसके द्वारा होता है? इसमें चार ऑप्शन है, देखते हैं किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए कोक्सिएला वर्निट, ऑप्शन बी टेस्टी फ्लाई, ऑप्शन सी सैंड फ्लाई एंड ऑप्शन डी नॉन। राइट आंसर ऑप्शन बी टी से टिश फ्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, खसरा किसके द्वारा होने वाली समस्या है? कॉसेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ मैसेल स्विज, ऑप्शन ए HIV, ऑप्शन बी मैक्सो वायरस, ऑप्शन सी वेरियोला वायरस एंड ऑप्शन डी वेरिसेला जोस्टर वायरस। राइट आंसर हो जाएगा किसके द्वारा होगा खसरा? खसरा किसके द्वारा होने वाली समस्या है? ऑप्शन ए बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, माइक्सो वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, आशा वर्कर इज पोस्टेड इन ऑल गिवेन बिलो प्लेसेस एक्सेप्ट। आशा कार्यकर्ता नीचे दिए गए सभी स्थानों पर तैनात हैं। ऑप्शन ए सब सेंटर, ऑप्शन बी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ऑप्शन सी
सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ऑप्शन डी फील्ड विजिट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। इन द प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज द प्राइमरी प्रिवेंशन रिजल्ट्स फ्रॉम। संचारी रोग की रोकथाम में प्राथमिक रोकथाम किससे होती है? क्वेश्चन था, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए स्ट्रिक्ट आइसोलेशन, ऑप्शन बी इम्यूनाइजेशन, ऑप्शन सी अर्ली डायग्नोसिस, ऑप्शन डी ट्रीटमेंट ऑफ डायसिस। राइट आंसर ऑप्शन बी इम्यूनाइजेशन। संचारी रोग की रोकथाम में इम्यूनाइजेशन प्राथमिक रोकथाम से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9। इन विच ईयर वॉज द बैक्टीरिया ऑफ टीबी डायसिस डिस्कवर्ड। टीबी रोग के बैक्टीरिया की खोज किस वर्ष में की गई थी? टीबी रोग के बैक्टीरिया की खोज किस वर्ष में की गई थी? तो इसके चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 1882, ऑप्शन बी 1890, ऑप्शन सी 1900, ऑप्शन डी 1870। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1882। 1882 में टीबी के रोग की बैक्टीरिया की खोज की गई थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10। MUAC टेप यूज्ड फॉर, MUAC टेप का उपयोग होता है कहाँ पे होता है? ऑप्शन ए तापमान मापने के लिए टेम्परेचर चेक, एंड ऑप्शन बी श्वसन दर नापने के लिए रेस्पिरेटरी रेट, ऑप्शन सी एडिमा नापने के लिए ऑडिमिक चेक, ऑप्शन डी कुपोषण का स्तर नापने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा कुपोषण का स्तर मापने के लिए। लास्ट ऑप्शन नंबर डी, MIUAC टेप का प्रयोग कुपोषण का स्तर मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। बेस्ट इन्वेस्टिगेशन टू डायग्नोज फेटल एज इज भ्रूण की उम्र का पता लगाने के लिए सबसे अच्छी जांच क्या है? ऑप्शन ए एमनियोसेंटेसिस, ऑप्शन बी एक्सरे, ऑप्शन सी फंडल हाई मेजरमेंट, ऑप्शन डी सीरियल अल्ट्रासाउंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा भ्रूण की उम्र का पता लगाने की सबसे अच्छी जांच है ऑप्शन नंबर डी सीरियल अल्ट्रासाउंड। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 12। फीवर होमिंग कॉफ बॉडी एच और द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ। ऑप्शन ए डिप्थीरिया, ऑप्शन बी पर्ट्यूसिस, ऑप्शन सी मिसल्स, एंड ऑप्शन डी मम्स। फ्रेंड्स इसका आंसर है, राइट आंसर हो जाएगा होमिंग ऑफ बॉडी एयर क्लिनिकल फ्यूचर्स का ऑप्शन नंबर, यस कीजिए कौन सा ऑप्शन होगा, स्क्रॉल करूं, ओके ऑप्शन बी पर्ट्यूसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। हुपिंग कॉफ एंड डिप्थीरिया मैनली स्प्रेड बाय, खांसी और डिप्थीरिया मुख्य रूप से किससे फैलते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पर्ट्यूसिस, जो कि अभी अभी हम बताए हैं। खांसी और डिप्थीरिया मुख्य रूप से किसके द्वारा फैलता है? तो इसमें जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से आपको बताना है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन ऊपर की तरह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में दिया हुआ है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जो कि खांसी और डिप्थीरिया का मुख्य कारण है। अगला प्रश्न 14। अल्बंडाजोल दवाई कितने वर्ष के बाद दी जाती है? ऑप्शन ए 1 साल के बाद, ऑप्शन बी 2 साल के बाद, ऑप्शन सी 5 साल के बाद,
और ऑप्शन डी लास्ट है 6 महीने के बाद। तो इसमें कन्फ्यूजन वाली बात ये है कि ऊपर तीनों साल दिया हुआ है वर्ष और लास्ट में महीने दे दिए हैं, तो कन्फ्यूज होने कोई बात नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्बेंडाजोल दवाई 1 वर्ष के बाद दी जाती है। नेक्स्ट, गर्भवती माताओं के साथ जननी शिशु सुरक्षा योजना में कितने वर्ष आयु तक के शिशुओं को निःशुल्क सेवाएं दी जाती हैं? ऑप्शन ए बर्थ टू 30 डेज, ऑप्शन बी बर्थ टू 3 मंथ्स, ऑप्शन सी बर्थ टू 1 ईयर्स एंड ऑप्शन डी बर्थ टू 6 मंथ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कौन सा ऑप्शन नंबर, गर्भवती माताओं के साथ जननी शिशु सुरक्षा योजना में कितने वर्ष की आयु तक के शिशुओं को निःशुल्क दवा दी जाती है? तो मैक्सिमम सबको ही पता होगा, कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बर्थ टू 1 ईयर। आई होप कि आपको हमारी ये वीडियोज पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकॉन।